सवाल ये भी है कि मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में अभी और भी कुछ उलटफेर होना बाकी है। अगर मायावती की शर्त ये है कि सपा के साथ नहीं आऊंगी, समाजवादी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन आपके साथ नहीं हो सकता है, तो क्या कांग्रेस मायावती के इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेगी? नवलकांत जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस शर्त को मानने को बाध्य होगी? वजह यह है, आपने ही कहा 1%, 2%, 4% कई राज्यों में बीएसपी के वोटर्स हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए तो ये फायदे वाली स्थिति है, क्योंकि 1%, 2% वोट भी हार को जीत में तब्दील कर सकती है। और मुझे भी ये पता है कि मायावती चाहती हैं पंजाब में भी सीट मिले, दिल्ली में भी सीटें मिले, मध्य प्रदेश में भी मिले, राजस्थान में भी मिले, लेकिन साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी के साथ दिखना नहीं चाहती। देखिए, मायावती जो है उनका जो सबसे बड़ा गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहती। पंकज जी, आपने पहले भी कहा कि इंडी अलायंस पे इनकी वो जगह नहीं है कि अगर वो जीत भी जाता है तो इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उनको जगह जो दिख रही है वो उत्तर प्रदेश में दिख रही है। और आप सवाल ये कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो जो कासिम साहब है ये आंकड़ों की बड़ी जानकारी रखते हैं और बड़ा डिटेल्ड अध्ययन करते हैं। तो कासिम साहब ने दो सीटों का एग्जाम्पल दिया, मछली शहर और जौनपुर का। अब मायावती ये समझाना चाह रही, पहले तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के संख्या को, समाजवादी पार्टी आक्रामक थी लेकिन कांग्रेस ने उसको दबाया कि ना बोलो। इधर मायावती ने अखिलेश यादव को उत्तेजित किया है कि वो पलट के जवाब दे, यानी कि मायावती एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि भैया अब तो सपा के संग तो कोई सीन बन ही नहीं रहा है, अब ये दबाव बनेगा कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस को फैसला लेना है कि अब उसको सपा के संग जाना है कि बसपा के संग जाना है। सब बसपा ये कहना चाहती है कि भैया जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ा वोटर है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, वो अल्पसंख्यक यानी सीधे सीधे कहें कि मुस्लिम वोटर है, वो तो आपको वैसे भी मिल सकता है अगर आप जहां मजबूत लड़ेंगे, वो वोटर आपके संग आना चाहता है और उसको लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पे या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई दल का काम कर सकता है तो वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस लड़ाई में दिखती नहीं तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। दूसरी बात यादव वोटर्स की है, तो जैसा कासिम जी ने बताया दो सीटों का एग्जाम्पल भी दिया है कि वो पूरी तरह से वो जाएगा, वो तो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, उसके लिए बीजेपी कोई अछूती पार्टी नहीं और बीजेपी ने जो दांव खेला है, जो एक मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्य में बना दिया है, जो कि मध्य प्रदेश में यादव वोटर जो है इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि वो वहां की पूरी पॉलिटिक्स को डील करता हो, लेकिन बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी भी रही है कि न्यूट्रल जाति वाले को बना दो तो बाकी जातियां भी कंट्रोल में रहती है और आपस में जो उनके झगड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं, और दूसरी तरफ उसका दूसरे राज्यों में फायदा मिलता है, तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ने बनाया है। तो मायावती ये इशारा कर रही है कि भैया मुस्लिम वोट तो 100% समाजवादी पार्टी के संग है ही नहीं, और समाजवादी पार्टी के संग वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में फिर से खड़ी होती, फिर से मजबूत होती है, तो विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है, तो वो किसी भी स्थिति में सपा के संग नहीं खड़ा होने चाहती है। और सपा जहां खड़ी होती है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो बीएसपी का है, वो वोट सपा को नहीं देना चाहता किसी भी स्थिति में, वो बीजेपी को वोट कर सकता है, तो इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है मायावती। सर, क्या आप सहमत हैं इस बात से? भास्कर दुबे साहब, क्या सर आप सहमत हैं इस बात से जो नवल जी कह रहे हैं? नवल जो बातें कह रहे हो एकदम काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आप हमारे ख्याल से आप लोग भी करीब करीब सभी साथी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हों। आप ये समझिए कि गाँव में जो लड़ाई होती है, जो दबाव बनाया जाता है मायावती के वोटरों पर, वो या तो यादव बनाता है या तो कुर्मी बनाता है, तो मतलब इनको ना मुसलमान से प्रॉब्लम होती है, ना ब्राह्मण से प्रॉब्लम होती है, ना ठाकुरों से प्रॉब्लम होती है। तो ये बात तो सत्य है कि अगर मायावती अखिलेश के साथ जाती हैं तो मायावती का वोट बैंक शिफ्ट होगा बीजेपी की तरफ। अगर मायावती
कांग्रेस के साथ जाती हैं बिना अखिलेश के गठबंधन होता है तो मुस्लिम वोट काफी हद तक जाएगा कांग्रेस की तरफ, क्योंकि मुस्लिम्स में भी तो दो तबके हो चुके हैं। एक तबका यह है जो अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहा है मोदी के राशन से, मोदी के उज्ज्वला गैस से, मोदी के मकान से, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पंकज जी। मायावती के वोट बैंक में सेंध का और अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध का, क्योंकि जो फायदे मिल रहे हैं सरकार जो फायदे दे रही है निर्बल वर्ग को, उसको मुस्लिम भी ले रहा है, उसको जो है वो मायावती का वोटर भी ले रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में अगर मुलायम सिंह अगर अखिलेश के साथ लड़ती है मायावती तो मायावती को लॉस और होगा, और ये लॉस काफी हद तक मायावती को और नीचे ले जाएगा। जो 12-13% उनकी हैसियत बची है, हो सकता है 6-7% में नीचे आ जाए। तो किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि मायावती अखिलेश के रहते हुए गठबंधन में जाएंगी। बाकी तो मायावती ने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है जो उन्होंने किया हो पंकज। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि कांग्रेस पे अभी भी सॉफ्ट नजर आ रही है मायावती। पिछले दिनों जिस तरह की बात करती थी मायावती सुनील जी, आज के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कांग्रेस का डायरेक्टली नाम लेकर के मायावती ने हमले नहीं किए। कांग्रेस पर मायावती का सॉफ्टनेस दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात, मायावती ये किस आधार पर कह रही है कि गठबंधन हम जब भी करते हैं हमारा नुकसान होता है, वो ट्रांसफर होता नहीं है, जबकि रिजल्ट तो कुछ और कह रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि मायावती ये गठबंधन नहीं करने का एक बहाना ढूंढ रही हैं और उसको जनता के सामने पेश कर रही हैं? नहीं, जो बहाना वो का दे रही हैं उनका मतदाता उसको स्वीकार थोड़े कर लेगा। प्रश्न इस बात का है कि क्या उनका मतदाता इस बात को स्वीकार कर लेगा कि जो बातें वो कह रही हैं। और काफी माइन ने कहा कि अगर जनता भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी का क्या नुकसान हो जाएगा। सवाल है कि पार्टी, मैंने जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के ऊपर उन्होंने खुद ही कहा कि क्षेत्रीय दलों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई होती रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बहुजन समाज पार्टी कहां पहुंच गई है, 2024 के बाद आप बचेंगे क्या? आपके पास करने के लिए बचेगा क्या कि आप क्या कर लेंगे? तीसरी चीज कि कांग्रेस के बारे में इनका साफ इसलिए है कि इनके मतदाताओं का नेचुरल च्वाइस बीएसपी के बाद कांग्रेस ही है। आप सोचिए ना कि इनका मतदाता कब बीजेपी को दे दिया, 2019 के चुनाव में दिया, उसके बाद की स्थिति में घोसी का चुनाव उपचुनाव तात्कालिक उपचुनाव है, कहां गया बीएसपी का वोटर? समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष में थी और उपचुनाव हो रहा था वहां, उस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान ही वहां उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी का वोट 20% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? कौन वोट देने वाला आ गया वहां? दूसरी चीज आप याद रखिए कि आप खतौली का चुनाव देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में 2012 के दंगे के बाद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल था उस माहौल में कितना परिवर्तन आया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण खतौली का उपचुनाव है। 2017 में वहां पे समाज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2022 में भी चुनाव जीती और 2022 के उपचुनाव में हार गई, क्योंकि जिस सामाजिक ताने बाने को 2012 के दंगे ने छिन्न भिन्न किया था उसको काफी ठीक किया है राष्ट्रीय लोकदल ने और अन्य दलों ने। यह सही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादवों का कोई बोलबाला नहीं, लेकिन फिर किसका बोलबाला है? जाटों का है, गुजरों का है, दलितों का है और अल्पसंख्यकों का है। और अगर ये तीनों एक चारों एक साथ हैं तो फिर उस किसके साथ है वो? फिर इंडिया के साथ है कि इंडिया के साथ है? अगर दूसरी चीज यह है कि अगर कांग्रेस का अगर मायावती जी चाहती है कि समाजवादी पार्टी को अलग करके इंडिया अलायंस बन जाए उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव भी तो आपको लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए जो एक संगठनात्मक ताकत चाहिए वो कांग्रेस के पास तो है नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पास है, उनका भी संगठन है लेकिन वो समाजवादी पार्टी की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। जो आक्रामकता, जो जुझारूपन, जो संसाधन चाहिए वो आज की तारीख में बीजेपी से लड़ने की थोड़ी बहुत ताकत बची है वो समाजवादी पार्टी के पास ही है। तो हर दल के पास आप ये कह सकते हैं कि 2022 में जो मत प्रतिशत था समाजवादी पार्टी का वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे बहस हो सकती है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक मतदाता उनके साथ जुड़ा था 2022 में वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वो कम से कम मायावती के साथ तो नहीं जा रहा है।
अगर उस मतदाता को अपने साथ रखना चाहते हैं, और बीएसपी के साथ तो समस्या अभी है ना, बीएसपी के साथ भी तो एक अविश्वसनीयता का संकट है। बीएसपी आज लगातार 2019 के चुनाव के बाद से लगातार बीएसपी पर आरोप लगते रहे हैं कि इसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाती रही है। यही तो वजह है कि उनका जो अल्पसंख्यक मतदाता था उनको छोड़ के चला गया। कोई गठबंधन तो किया नहीं उन्होंने, कोई उसके पक्ष में बयान तो दिया नहीं, कहीं उनके साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन उनकी जो गतिविधियां रही, जो चुनाव होते रहे, चाहे जिस तरीके की एक आक्रामकता आपको चाहिए थी बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं दिखाई पड़ी। परिणाम हुआ कि आप मान लिए गए कि आप बीजेपी के मददगार हैं, तब आपको नुकसान हुआ। मेरा अपना मानना है कि यह शर्त भी, यह जो शर्त का लादने का प्रयास करती है, तो उतना ही नुकसानदायक है जितना कि मायावती अगर अलग होकर के इंडिया दल समूह से चुनाव लड़ती है। तो समाजवादी पार्टी को भी समाजवादी, मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया दल समूह के लिए बीएसपी की तुलना में ज्यादा रिलायबल साथी समाजवादी पार्टी है। दो तरह से, एक तो वह बीजेपी के साथ उसका एक मुकाबला है, दूसरी चीज यह कि चुनाव के बाद भी उसके बीजेपी के साथ जाने की आशंकाएं कम रहेंगी, और तीसरा कि बीएसपी की तुलना में संगठन समाजवादी पार्टी का यह है कि वह आप लोकसभा का चुनाव, एक कम से कम चुनावी जरूरतें जो है वह भी पूरी होती दिखाई पड़ती है, जो बीएसपी के साथ नहीं है। जी बिल्कुल, पर कांग्रेस ने उम्मीद छोड़ दी है। कांग्रेस के तरफ से प्रतिक्रिया ये आ रहा है नवल कांत जी कि मायावती दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। जिस तरफ दौलत है या स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। कुछ समय बाद बसपा बुआ भतीजे की पार्टी रह जाएगी। जबकि प्रमोद कृष्णम ने इस प्रतिक्रिया पर आश्चर्य उन्होंने जताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का हमला मायावती पे करना दलित समाज का अपमान होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब उम्मीद त्याग चुकी है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता के बोल तो काफी कड़े नजर आ रहे हैं। देखिए पंकज जी, आप जानते हैं कि राजनीति में एक खेल चलता है कि किसी को दबाव में लेना है तो किसी एक नेता से कहलवाया जाता है और एक दबाव बनाने की कोशिश होती है। कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बीएसपी की क्या हैसियत है, और जैसा कि प्रमोद कृष्णम ने कहा, और जो भी बात होती है ना कि ईडी की छापामारी, बाकी चीज दबाव जो बनाए जाते हैं सरकार की तरफ, जैसा कहा जाता है, मुझको लगता नहीं कि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो मायावती के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मुझको लगता नहीं है कि बहुत तेज तरीके से करेगी या करवाई जाएगी या उसकी चाहत होगी, क्योंकि मायावती पे कार्रवाई करवाने का मतलब है कि मैसेज होगा कि दलितों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। और एक बार समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर लड़ चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि मायावती जानती है कि वो इस लोकसभा के चुनाव के बाद वो कोई प्रधानमंत्री देश की नहीं बनने जा रही है, लेकिन उनको पता है कि उसके आगे जो है वो विधानसभा चुनाव है, और वही उनका मेन उद्देश्य है, वहीं पे वो अपने को खड़ा करना चाहती है। और उनकी जो सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी तो है ही है, कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर बीजेपी को शिफ्ट कराना हो तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर पिछड़ती है, समाजवादी पार्टी अगर किनारे होती है, समाजवादी पार्टी अगर हाशिए में जाती है, तो उसके पास काफी अवसर है। और कांग्रेस चूंकि, जैसा कि सुनील जी ने भी कहा कि संगठन कमजोर है, सब जानते हैं, भास्कर भाई भी जानते हैं, कासिम साहब भी जानते हैं कि कांग्रेस के पास कुछ नेता ही उत्तर प्रदेश में बचे हैं, संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है। तो ऐसे में अगर वो किनारे कर पाती है समाजवादी पार्टी को, तो उसके पास काफी एवेन्यूज है, काफी रास्ते हैं, और उसकी जो चाहत है इस लोकसभा चुनाव में वो है मुस्लिम वोटों की, और वो चाहत उसकी पूरी हो सकती है कांग्रेस के जरिए ही। उसके लिए समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझको लगता है कि मायावती एक इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, लेकिन आज उन्होंने अपने जो जन्मदिन में जो बात कही है, रिटर्न गिफ्ट की तरह ले रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बसपा तक नहीं जाना चाहती थी, और बीजेपी भी रिटर्न गिफ्ट की तरह ले रही है कि अगर वोटों का बंटवारा होगा तो उसका ही फायदा होना है। चलिए तो अब मायावती क्या कुछ कर पाती हैं इस पे तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन इतना साफ है कि आज के उनके फैसले से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के लिए अगर मायावती थोड़ा भी ग्रीन सिग्नल देती तो जाहिर तौर पर कम से कम कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बेहतर बार्गेन तो कर सकती थी।
कांग्रेस एक अलग भूमिका में होती, क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पे मायावती भी होती और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी होती। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस भीतर से, अंदर से, दिल से भले ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की चाहत नहीं रखती हो, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने मना कर दिया है, ऐसे में अगर यही सिलसिला चलता रहा लोकसभा चुनाव तक, तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि यह समाजवादी पार्टी के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जैसे ही यह बात समझ में आ रही थी कि कांग्रेस बसपा को ज्यादा तवज्जो दे रही है, तो समाजवादी पार्टी के तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। ऐसे में लगता है कि अब समाजवादी पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बीएसपी बीएसपी बिहेव करती है।